ஹலோ, குட் மார்னிங் இந்தியா. Monday to Friday, back-to-back classes, live from studio. आज ही subscribe करें Wi-Fi Study channel को. Hello. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग. मैं रामविराज, स्वागत करता हूँ इंडिया के नंबर वन स्टडी लर्निंग चैनल वाईफाई स्टडी में. तो दोस्तों, पिछली क्लास में हमने बात की थी क्लॉक टेस्ट पर, और क्लॉक टेस्ट के छोटे छोटे पॉइंट थे वो उन्होंने आपको क्लियर किए थे. आज अपन प्रैक्टिस भी करेंगे, उन पॉइंट को अप्लाई करेंगे, उन पॉइंट के साथ साथ क्वेश्चन को समझेंगे और किस किस तरीके के टेस्ट होते हैं वो अपन सारी बात यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं. तो बताओ, पिछली क्लास की मैं कुछ एक बात है वो आपको दोबारा से रिवाइज कराना चाहूँगा कि भाई क्या याद रखना है हमारे को. क्या याद रखना है हमारे को, एक बात याद रखनी है कि भाई क्लॉक जो होगी ना, देखो इधर देख लो, आप एक बार किसी भी क्लॉक देख लो. एक मैं क्लॉक दिखा दूं आपको, ठीक है? इधर ध्यान देना जरा कि भाई जो भी आपके पास क्लॉक होगी ना, उस क्लॉक के अंदर आपको देखे ये दिया होगा. देखो जैसे कि यहां पर आपको दिया हुआ है, अगर मैं आपसे पूछूं दक्षिण और पूरब के बीच में कौन है, ठीक है? दक्षिण और पूरब के बीच में कौन है, ठीक है? तो आपका ऑप्शन आंसर क्या होगा, देखो आंसर पे ध्यान देना. क्वेश्चन क्या पूछा गया है, दक्षिण और पूरब के बीच में कौन है, के बीच में कौन है, ठीक है? या फिर आपसे ये भी पूछ, ये बोल सकता है थोड़ा और क्लियर कर देगा, दक्षिण से क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है? यहाँ पर आप ले लो, दो सेकंड के लिए आप एंटी क्लॉकवाइज ले लो, है ना? दक्षिण से एंटी क्लॉकवाइज चलते हुए पूरब पर पहुँचे तो बताइए बीच में कौन आता है. ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया, ये रहेगा आपका क्वेश्चन, ठीक है? या फिर बोल सकता है पूरब से क्लॉकवाइज चलते हुए दक्षिण में पहुँचे, बीच में कौन आता है, ऐसा क्वेश्चन आपको क्रिएट, मतलब कुल मिला करके वो आपको A4 पर ले जा रहा है, ठीक है? अब ये पूछेगा बताइए इसका आप अपन को आंसर लिखना है, तो इसको आंसर अपन कैसे लिखेंगे जरा इस बात पर ध्यान देना. तो क्या हमारा आंसर A होगा, क्या हमारा आंसर बी होगा, क्या सी होगा, क्या डी होगा, क्या ई होगा, जरा सोचो दिमाग से क्या होना चाहिए. A4 के अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या बनना चाहिए, हमारा यहाँ लिखा हुआ A4, क्या लिखा हुआ A4, ठीक है? ठीक है, समझ रहे हो ना मेरी बात को आप? बताओ आप क्या लिख करके आओगे, सोचो जरा दिमाग लगाओ, क्या आंसर लिख करके आओगे. मैंने पिछली क्लास में वैसे तो आपको बात ये वाली बता दी थी, है ना? ठीक है, देखना अगर आपका आंसर A4 आता है, मान लीजिए आपका आंसर A4 आ गया, तो A4 की कंडीशन में कभी भी हम अक्षर से आंसर को कभी भी हम नहीं लेते हैं, समझे? अक्षर से हम कभी भी आंसर को नहीं लेंगे, हम हमेशा आंसर को लेंगे अंक से, हमेशा किससे लेंगे, अंक से लेंगे, और अंक से ही आंसर लिया जाता है, यही सही तरीका है, ठीक है? तो अंक से मतलब यहां ध्यान देना कि भाई अगर हमारा ए है, एक है तो आंसर ए होगा, दो है तो आंसर बी होगा, तीन है तो सी, फिर क्या आएगा डी, और लास्ट में पांच के लिए ई रहेगा, ठीक है? तो ध्यान रखना किसी भी घड़ी के अंदर हमारे ए से जेड तक तो अक्षर रहते हैं, लेकिन अंक जो रहेंगे वो रहेंगे 1, 2, 3, 4, है ना? और आपका क्या रहेगा, आपका 5, ठीक है? ये आपका अंक रहेंगे, ठीक है? ये बात आपको थोड़ा सा
ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना, अंक कहाँ से कहाँ तक रहेंगे आपके, सिर्फ और सिर्फ 1 से 5 तक आपके अंक रहेंगे, और अक्षर कहाँ से रहेंगे, 1 से Z तक आपके अक्षर रहेंगे, ठीक है। तो हमेशा आंसर को हमें जब भी बनाना होता है तो किसके अकॉर्डिंग बनाते हैं, अंक के अकॉर्डिंग ही आंसर बनाते हैं, ठीक है। अच्छा और देख लो भाई, एक और देख लो, देखो दक्षिणावर्त, ठीक है, दाएं, ठीक है, ठीक है, और अगर आपको दिशा नहीं देता है, दिशा नहीं देता है, नहीं देता है, ठीक है, तो हमेशा आप याद रखना क्लॉकवाइज चलना है। कैसा चलना है भाई, क्लॉकवाइज। अगर दिशा नहीं भी देना तो भी आपको क्लॉकवाइज चलना है। देखो दक्षिणावर्त यानी कि आपका एंड क्लॉकवाइज ये आपसे बोलेगा। अच्छा इसको एक और शब्द है, एक और शब्द है, यहां ध्यान रखना, दायावर्त, ठीक है, दायावर्त, ठीक है, और सीधे, सीधा, सीधा है ना। तो ये शब्द है थोड़े थोड़े, इनको आप याद रखना कि या तो दक्षिणावर्त बोले या दाया बोले या दिशा नहीं दे या फिर दायावर्त बोले या सीधा बोले, तो आपको सीधे सीधे आपको किस तरफ जाना है, आपको जाना है क्लॉकवाइज की तरफ, ठीक है। अब ऐसे ही जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा आपका वामावर्त, वामावर्त या बायावर्त, ठीक है, या फिर बाएं, ठीक है, और इसी के अकॉर्डिंग अपन देखें दायावर्त सीधा है ना, और दाएं ये कहता है, दाएं कहता है तो हमें क्या चलना है, हमारे सॉरी बाएं कहता है तो हमें क्या करना है, एंटी क्लॉकवाइज चलना है। कैसे चलना है भाई, एंटी क्लॉकवाइज चलना है। क्लियर होगी होगी बात, क्लियर होगी बात। अच्छा किसी भी घड़ी के अंदर, किसी भी घड़ी के अंदर अगर हमसे त्रिभुज बनाने के लिए कहता है, क्या बनाने के लिए कहता है, त्रिभुज बनाने के लिए कहता है, कैसे ही बना सकता है, कैसे ही बोल सकता है, तो दो जो आपकी समान जो रेखाएं जो दो सिमिलर रेखाएं हैं वो रेखाएं जिस बिंदु पर जाकर के मिलेंगी वही शीर्ष होता है, ठीक है। क्लियर हो गई होगी बात, आपके समझ में आ गई होगी बात, ठीक है। तो कुल मिलाकर के शीर्ष का भी आपको इस तरीके से आपसे क्वेश्चन बदल देगा। अच्छा एक चीज और आप थोड़े से याद रखना इसमें, अंक बदले तो केवल केवल अंक बदलना है, अंक बदलना है, है अक्षर नहीं। ये बात याद रखना, अंक बदलने के लिए कहता है तो केवल अंक बदलना है, अक्षर नहीं, ठीक है। और अक्षर बदलता है है तो केवल अक्षर बदलेगा, बदलेगा अंक नहीं, ठीक है। ये बातें दोनों पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट को अपने माइंड में क्लियर कर लो, ये मैंने पिछली क्लास में वैसे आपको बता दिए, ठीक है। इसके साथ साथ दायावर्त है ना, वामावर्त बता दिया। अच्छा एक और चीज़ मैं अभी आपको आपको नहीं बताई है, क्या नहीं बताया है, 2 सेकंड। ठीक है हाँ इधर आ जाओ, एक चीज़ और मैंने अभी आपको नहीं बताई है वो और बता देता हूँ, फिर उसके बाद में फिर आपका, ठीक है, उसके बाद में फिर आपका क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, वो लास्ट बात और है वो देख लो अभी आप। देखो घड़ी जो होती है ना, घड़ी घड़ी जो कोण बनाती है,
घड़ी जो है वो एंगल बनाती है, मतलब पूरी जो घड़ी बनती है वो कितने डिग्री में बनती है, 360 डिग्री में। कितने डिग्री में बनती है पूरी घड़ी, कितने में बनती है, 360 डिग्री में बनती है, ठीक है। लेकिन घड़ी हमेशा कितने भागों में बटी रहती है, 8 बराबर भागों में बटी रहती है, ठीक है। तो कुल मिलाकर अगर हम कहें तो अगर पूरब से बात करता है, पूरब है ना, तो पूरब से 45 डिग्री क्लॉकवाइज चलने के लिए कहता है, पूरब से 45 डिग्री क्लॉकवाइज चलने के लिए कहता है। तो आप 45 डिग्री क्लॉकवाइज कुछ इस तरीके से यहां पर जाकर के आप रुकेंगे, क्लियर होगी। ये 45 डिग्री भी कहा जाता है या 1/8 भाग भी कहा जाता है, ठीक है। कितना कहा जाता है, 1/8 भाग। 45 डिग्री बोल देता है तो भी बात वही है, और 1/8 बोल देता है तो भी बात वही है, ठीक है। इसी तरीके से अगर वो आपसे क्या कह दे कि भाई आप कितना चलना है, 90 चलना है, तो 90 डिग्री हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा भाई, 90 डिग्री हो जाएगा। इसी तरीके से पूरा घुमा देगा तो 360 हो जाएगा, ठीक है। घड़ी कितने भागों में बटी रहती है, 8 भागों में बटी रहती है। तो अगर मैं कहूँ कितने भागों में बटी रहती है, घड़ी 8 भागों में बटी रहती है, तो ध्यान रखना, तो 1/8 ध्यान रखना, 1/8 बराबर कितना होगा आपका, 45 डिग्री, ठीक है। 2/8 को हम कैंसिल आउट कर लेते हैं, 1/4, ठीक है। 2/8 तो नहीं कहेगा वो, कितना बोलेगा आपसे, कितना बोलेगा आपको, 1/4 भाग बोलेगा। तो कितना हो जाएगा आपका भाई, 2/8 तो कितना हो गया, 45 डिग्री, तो ये कितना डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री, ठीक है। इसी तरीके से फिर वो आपको कहाँ जाएगा, 3/8, ठीक है। 3/8 बोलेगा तो आप इसको इस तरीके से प्लस करते चले जाए, और फिर जैसे जैसे आपका आगे बढ़ता चला जाता है उस तरीके से अपन इसको क्लियर करते चले जाएंगे, ठीक है। 8/8 का मतलब क्या हो जाएगा, कितना डिग्री बन जाएगा, 360 डिग्री। तो इस बात को भी थोड़ा सा याद रखना, थोड़ा सा आपको इस तरीके से घुमाएगा, या तो 45 डिग्री चलने के लिए बोलेगा या 1/8 भाग चलने के लिए बोलेगा, ठीक है। 2/8 या 1/4 बोलता है तो आपको कितना डिग्री चलना है, 90 डिग्री चलना है, क्लियर होगी बात। और अगर वो 1/2 चलने के लिए कह देता है तो 180 हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से घड़ी में क्या है, डिग्री के अकॉर्डिंग भी चलाता है और आपका बटे में भी चला जाता है। अगर आपसे बोल देता है 3/8 पूरब से 3/8 क्लॉकवाइज चलो, कितने चलो, 3/8, तो 1/8, 2/8, 3/8 आप यहाँ पर आ जाओगे, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 3/8 भाग हो गया क्लॉकवाइज, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आपसे क्रिएट होते हैं, बस इतना सा है अपने, बाकी सारी बातें मैंने आपको बता ही दिया, दायां बायां चलना बता दिया। अच्छा, के और से नियम जो हमने पहले पढ़ा था टेबल टेस्ट के अंदर, वैसा का वैसे ही यहाँ पर लागू होगा। के और से नियम जो हमारा टेबल में था वैसा का वैसा ही, दोबारा से बता देता हूँ, के और से नियम हमारा क्या था, तो एक बार देख लो, के बराबर था, के ले लो तो को छोड़कर, ठीक है। और से बोल देता है, ये के और से नियम पुराना वाला ही है ना, से बराबर साथ लेकर, जैसे बोल देता है वो आपसे जैसे इस वाली घड़ी में आ जाओ, इसमें आ जाओ, बोल देता पूरब से दाएं तीसरा, तो पूरब से दाएं तीसरा बोल देता है क्लॉक। अब जब अपन को कोई दिशा नहीं देता तो अपन को क्लॉकवाइज ही चलना है, ध्यान रखना है ना। पूरब से दाएं तीसरा, से बोल दिया तो एक नंबर तो इसको बोलेंगे, दो नंबर इसको बोलेंगे और तीन इसे बोलेंगे, ठीक है। तो तीन नंबर पे आंसर F3 हो जाएगा और तीन के अकॉर्डिंग आंसर हमारा क्या हो जाएगा, C हो जाएगा, ठीक है। तो पूरब से दाएं तीसरा, पूरब से बोल दिया तो यानी इसके साथ लेकर के गिनना शुरू करना है, साथ में लेकर के गिनेंगे तो इसको नंबर देंगे 1, फिर 2, फिर 3। अगर मान लो ये क्या बोल दे, पूरब के दाएं तीसरा, तो पूरब यहां है, ठीक है, के दाएं तीसरा, को छोड़ दो, इसको छोड़ दो, यहां से गिनो 1, 2, 3,
तो आपका आंसर क्या आ गया, जीवन, और वन के अकॉर्डिंग आंसर क्या आएगा, ए। क्लियर हो गया? तो के और सी नियम वैसा का वैसा ही है जो हमने टेबल टेस्ट के अंदर वैसा का वैसा पढ़ा था, वैसा का वैसा ही है। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। तो इधर आ जाओ, पहले नंबर पे इस क्लॉक को स्विच करना। हाँ, पहले नंबर पे इस वाली क्लॉक को देखो, दिख रहा होगा सभी को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो क्लॉक आपके सामने है, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। देखो बदलने के लिए बोल रहा है D1 और Q2, D1 को Q2 से बदलें, बदलने पर उत्तर में कौन सा अंक होगा। देखो क्वेश्चन को हमें पहले पूरा पढ़ना है, फिर बाद में अदला बदली करनी है, ठीक है। तो कहाँ जाने के लिए बोल रहा है, उत्तर, क्या बोल रहा है, उत्तर में कौन सा अंक होगा, ठीक है। क्वेश्चन आपसे देख क्या बोला, उत्तर में कौन सा अंक होगा, अंक के बारे में पूछ रहा है सीधा सीधा। तो उत्तर तो हमारा कहाँ है, यहाँ पर है, ठीक है। और D1 आ रहा है, D1 को किससे बदल दिया, Q2 से। अब अपने को वहाँ क्वेश्चन में नहीं देखना है, क्वेश्चन में नहीं देखना है कि Q2 कहाँ है, हमें तो सीधा सीधा यहाँ Q2 हो गया ना, तो बदलने वाली बात बोल दे तो हमें क्लॉक में भी बिना चाहे हम यहाँ का यही आंसर क्या कर सकते, बदल भी सकते, लेकिन पहले एक बार झलक देखनी पड़ेगी उत्तर में क्या है, D1 है, तो D1 के अकॉर्डिंग हमारा Q2 बदला है, तो 2 आंसर हो जाएगा, 2 का मतलब B आंसर हो जाएगा। हमेशा हम आंसर को अंक से लेते हैं, ठीक है। अंक कितने होते हैं, अंक रहते हैं हमारा 1 से 5 तक अंक रहते हैं, ठीक है। क्लियर होगी बात? तो आपका क्या आएगा आंसर, 2 के अकॉर्डिंग आंसर क्या आ जाएगा आपका, 2 के अकॉर्डिंग आपका आंसर आ जाएगा बी, ठीक है। ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट, अगला देखो, P5 को M4 से बदलने पर नॉर्थ और वेस्ट के बीच का अंक क्या होगा, नॉर्थ और वेस्ट के बीच का अंक क्या होगा, ठीक है। तो बदल भी रहा है और नॉर्थ और वेस्ट, अब देखो नॉर्थ और वेस्ट के बीच का अंक क्या होगा, बदलने के लिए इसने कहा है। ये कुछ क्वेश्चन अधूरे टाइप के भी दे देता है वो आपको, तो घबराने की जरूरत नहीं है। बदलने के लिए किसको कहा है, P5 को बदलने क्या कहा है, किससे बदलने के लिए कहा है, M4 से बदलने के लिए कहा है, ठीक है। और क्या बोला, नॉर्थ से वेस्ट के बीच का अंक, अब नॉर्थ आपका ये रहा, नॉर्थ और वेस्ट, वेस्ट यानी कि ये रहा, ठीक है, इन दोनों के बीच का अंक। अब बीच का अंक यानी इसको बीच में किससे बदल रहा है आपको, P5 से बदल रहा है, P5 से बदल रहा है। तो आपका आंसर सीधा सीधा किस पे चला जाएगा, जब भी ये क्वेश्चन इस टाइप का, जब भी क्वेश्चन आपके सामने क्रिएट हो जाए ना, तो हमने एक नियम पढ़ा हुआ है जिसके अकॉर्डिंग हमें चलना रहता है। और यहां पर ध्यान देना, बदला किसको है, P5 को बदला है, तो P5 कहां आ रहा है, इसके बीच में आ रहा है, तो P5 को अपन किससे बदले, M4 से, तो यहां क्या आ जाएगा, M4, और 4 के अकॉर्डिंग आपका आंसर क्या आ जाएगा, 4 के अकॉर्डिंग आपका आंसर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलें, नेक्स्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, नियम हमने सारे पढ़ रखे हैं। अच्छा, यहां पर ध्यान रखना, जब भी हमारे सामने जैसे दो दिशाएं दे देता है, जैसे दक्षिण दे देता है, यहां समझ लेना इस बात को थोड़ा सा, दक्षिण और पूर्व दे देता है के बीच, तो बीच में जो नियरेस्ट रहेगा ना, मतलब जो दूराई हमारी नज़दीक वाली रहेगी, यानी ये दूराई हमारी क्या है, किसी व्यक्ति को पूर्व से दक्षिण जाना होगा, तो ये वाले नियरेस्ट है दूराई, तो इसके बीच में ही जाओगे, इस जगह पर जाओगे, ठीक है। जैसे अभी क्वेश्चन में आया था पश्चिम और उत्तर के बीच, बीच में कहाँ जाओगे, नियरेस्ट जो पड़ेगा उस पर जाओगे, ठीक है। तो नियरेस्ट अभी अपन का क्या पड़ रहा था आपका, P5 पढ़ रहा था, इसलिए अपन ने P5 को चेंज किससे कर दिया, अपन को ने M4 से चेंज कर दिया, ठीक है। और बदलने के लिए किसको कहा गया, P5 को बदलने के लिए कहा गया है। चलो आगे चलो, समझ रहे हैं अभी तो हम क्वेश्चनों को देख रहे हैं। तीसरे क्वेश्चन पे आ जाओ, तीसरा क्वेश्चन देखो, C2 Q2, देखो यहाँ अभी कुछ इसने यहाँ क्लियर नहीं किया, C2 Q2 बोला है, C2 Q2 और N3 से मिलकर एक त्रिभुज बनाए, ठीक है। तो जो दो जो आपकी समबाहु भुजाएं जो होती है ना, जो समान जो भुजाएं होती हैं, वो जहां मिलेंगी वह बिंदु क्या होता है, शीर्ष होता है। और जब भी आपको ये त्रिभुज बनाने के लिए बोल दे, तो आपको शब्द बीच में देखना, पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, बीच में देखना है कहीं शीर्ष बोला है क्या, और आप शीर्ष को देखते ही आप इन तीनों पॉइंट को उठाना, क्योंकि अपन को जल्दी करना है क्वेश्चन एग्जाम में। तो C2 Q2, देखो C2 हो गया, Q2 हो गया,
और एन थ्री हो गया, ठीक है, ये हो गया ना। अब यहां से त्रिभुज बनाओगे आप, बनाने की जरूरत नहीं, वैसे तो निगाहों से आप देख करके कर लेना काम। दो समान भुजाएं जिस बिंदु पर मिलेंगी वो शीर्ष होगा, और शीर्ष होगा तो हमारा आंसर क्या आ गया, सी टू के अकॉर्डिंग आंसर क्या आ गया, बी आपका आंसर आ गया। देख लो भाई, दोबारा से देख लो भाई, सी टू पर जाकर के मिलेंगी, बनाने की जरूरत नहीं हमें, त्रिभुज बनाने की जरूरत नहीं है, बाकी देख लो आप, दो भुजाएं समान जहां मिलेंगी सी टू पर मिल रही है, सी टू पर मिल रही है, तो सी टू पर मिल रही है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, सी आंसर नहीं होगा, यहाँ आंसर क्या होगा, बी होगा, सी टू, सी टू। तो इसके अंक के अकॉर्डिंग अपन आंसर क्या देंगे, बी आंसर देंगे। क्लियर होगी बात, चलिए आगे चलते हैं, ये तो हमें प्रैक्टिस करा रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन कितने आएंगे यहाँ पर, 20 क्वेश्चन आएंगे, है ना, और समय कितना मिलेगा, 10 मिनट का मिलेगा, और ध्यान रखना बच्चे इसको 7 मिनट में कंप्लीट कर लेते हैं आसानी से, 7 मिनट में बच्चे आराम से करते हैं, आराम से। और जब एग्जाम में मालूम चल जाता है ना कि भाई क्लॉक आ रहा है, तो भाई बड़ा खुशी होती है कि यार टेबल से छुटकारा मिला, क्योंकि वहाँ 10 क्वेश्चन होते हैं, वहाँ 10 क्वेश्चन होते हैं, एक्यूरेसी ज़्यादा रखनी पड़ती है ना, और इस बार तो 42% है ना, 42 के अकॉर्डिंग 5 क्वेश्चन तो हमें करके आने बिल्कुल सही, ठीक है, गलत मत करना। यहाँ पर तो क्या है, 20 क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, बच्चे आराम से 20 के 20 कर लेते, क्लॉक आसान है टेबल की अपेक्षा। चलिए आगे चलते हैं, क्या देखो, चौथे नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ। N3 और Q2 के बीच के और D1 और T3 के बीच के अक्षर, बीच के अक्षर से बदलने पर, ठीक है। अब N3 और Q2 और D1 और T3 के बीच, बीच में जो अक्षर आया है बदलने पर, उत्तर और पूरब के बीच, उत्तर और पूरब के बीच अंक कौन सा होगा। तो देखो भाई, बदलवाया क्या है, अक्षर, और अंक पूछा है, ठीक है, अंक पूछा है, ठीक है। तो भाई अंक पर कोई कोई वो पड़ेगा क्या, प्रभाव पड़ेगा क्या, तो हमें बाकी तो कुछ पढ़ना ही नहीं है क्वेश्चन में, सीधा सीधा पूरब और उत्तर पर जाना है, उत्तर और पूरब पर। देखो उत्तर ये रहा और पूरब ये रहा, और बीच में क्या आ रहा है, सी टू आ रहा है, बीच में क्या आ रहा है, सी टू आ रहा है, उसने अक्षर बदलवाया, तो हमें कोई मतलब है ही नहीं अक्षर से, ठीक है, हमें तो किससे मतलब है, अंक से मतलब है, अक्षर बदलने के लिए बोला है केवल इसने। तो हमारा यहाँ सी टू के अकॉर्डिंग, अगर ये सी बदल भी गया हुआ किसी और से, उससे मुझे मतलब नहीं है, केवल मेरा आंसर किसके, सी सी अगर बदल भी गया होगा, सी अगर क्या हो गया होगा, बदल भी हो गया होगा, तो भी मेरे क्वेश्चन पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन मुझे जो जरूरत है वो किसकी जरूरत है, मुझे तो जरूरत है टू की, तो टू के अकॉर्डिंग मेरा आंसर डायरेक्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी। यानी इतनी बड़ी लैंग्वेज में अदला बदली करने से पहले सोच लो कि भाई हमारे को मेन मोटिव क्या बोला है, ठीक है, समझ गए ना मेरी बात, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है ना। चलिए आगे चलते, नेक्स्ट क्या बोला, M4 P5 से बदलने पर पूरब और दक्षिण के बीच। अब देखो क्वेश्चन को यहाँ M4 P5 नहीं ढूंढना है, हमें पूरब और दक्षिण के बीच जाना है। देखो पूरब कहाँ है, पूरब ये रहा, है ना, और दक्षिण ये रहा, ठीक है, इसके बीच कौन सा अंक होगा। M4 दिख रहा है किससे बदला होगा, P5 से बदला होगा, ठीक है, 4 को 5 से बदल दिया तो 5 आंसर आ गया, 5 के अकॉर्डिंग आंसर क्या आ गया, E आ गया। 4 दिख रहा है P5 से बदला है, 5 के अकॉर्डिंग आंसर क्या आ गया, E आ गया। सिंपल है ना, टफ नहीं लग रहा होगा अब आप लोगों को बिल्कुल ही। क्लॉक नियरेस्ट पे जाना है सबसे पहले, है ना, पूरब और दक्षिण के बीच, पूरब और दक्षिण नियरेस्ट पे जाना है, ठीक है, जो सबसे नज़दीक की दूरी बढ़ती है पड़ती है, हमें उस पर जाना होता है। अगले पॉइंट पर चलते हैं, छठे नंबर क्वेश्चन देखो, N3 को T3 से बदलने पर पश्चिम में कौन सा अंक होगा। हमें केवल पश्चिम देखना है, और N3 दिख गया, T3 से बदला, 3-3 था, तो आंसर 3 के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, आपका आंसर C आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना इसमें भी। अब देखो आगे क्या बोला, D1 को Q2 से बदलने पर, ठीक है, D1 को Q2 से और N3 को T3 से बदलने पर उत्तर में कौन सा अंक होगा। उत्तर देख लो, उत्तर में क्या है, D1 है, और D1 को किससे बदला है, Q2 से बदला है, यानी 2 का मतलब क्या आ जाएगा, आपका B हो जाएगा। इसको बदलने की जरूरत नहीं है, बदलने का काम हमें सबसे लास्ट में। देखो मैंने टेबल पढ़ाया था तब भी मैंने आपसे बोला था अदला बदली
मैक्सिमम हम दिमाग में यही रखेंगे कि हमें बाद में करनी है। 99% केसेस में ये बाद में ही करना होता है। कुछ 1% केस ऐसे होते हैं टेबल के अंदर जिनमें साथ भी अदला बदली करना पड़ जाता है, ठीक है, ध्यान रखना। 99% केस के अंदर तो हमें अदला बदली बाद में करनी है, क्वेश्चन को पूरा पढ़ लेना है फिर बाद में करनी है, केवल उस पर अदला बदली करनी है जिस पर ज़रूरत है। और अगर मान लीजिए हमारे को अदला बदली बीच में करनी पड़ जाती है, अगर ज़रूरत है तो करो, है ना, बाकी क्वेश्चन नहीं बैठ रहा है तब करना है। बाकी क्लॉक के अंदर अदला बदली तो आपको लास्ट में ही करनी है क्लॉक के अंदर। टेबल में थोड़ा सा 1% क्वेश्चन में ऐसा होता है जिसमें हमें अदला बदली क्वेश्चन के साथ ही करनी पड़ती है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट। तो आपका आंसर यहाँ पर क्लियर हो गया होगा, देख दोबारा से देखो अब क्या होगा। अब अगले चलो D1 को Q2 ये कर लिया था अपन ने, P5 को G1 से, देखो P5 को G1 से मैं करने का तरीका बता रहा हूँ अभी आपको, ये नहीं कर रहा हूँ कि बोला क्या आपको क्या नाम है अभी प्रैक्टिस नहीं करा रहा हूँ, करने का तरीका बता रहा हूँ अभी, तो तरीके को समझो। P5 को G1 से और C2 को M4 से बदलने पर उत्तर और पूरब के बीच अंक कौन सा होगा, ठीक है। तो अभी देखो ये पूरा बदलवा रहा है यहाँ पर, देखो पूरा बदलवा रहा है यहाँ पर, ध्यान रखना एग्जाम में जब भी अपन क्वेश्चन कर रहे हो तो ये चीज ध्यान रखना, पूरा बदलवाने के लिए कह रहा है या नहीं कह रहा है। अगर यहाँ पर आगे यहाँ पर क्या बोल देता, अभी अपन क्वेश्चन करना सीख रहे हैं, ठीक है, अभी मैं क्वेश्चन डायरेक्ट जल्दी से हल नहीं करा रहा हूं। देखो यहां के बाद में अगर बोले कि अक्षर आपस में बदलने पर, अगर अक्षर बोल देता तो हमें कुछ करना ही नहीं था, उत्तर और पूरब के बीच क्या होगा का अंक क्या होगा, तो आपको उत्तर और पूरब के बीच जो अंक होगा वो निकाल के देना था। लेकिन यहां पर तो ये पूरा बदलवा रहा है, जब तक पूरा बदलवा रहा है तब तक तो पूरा बदलना है, बाकी अगर अक्षर और अंक बोल देता है तो अक्षर है तो अक्षर को बदलना है, अंक है तो अंक को बदलना है, पूरा अब नहीं बदला जाएगा, क्लियर हो गई। तो क्या बोला उसने, उत्तर और पूरब, हमें पूरा क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं है, उत्तर और पूरब से मतलब है, ठीक है। उत्तर दिख गया, पूरब दिख गया, नियरेस्ट दिख गया, C2 है। अब C2 किससे बदल रहा है, M4 से, तो हमें M4 कहाँ है इससे मतलब नहीं है, यहाँ C2 दिख रहा है या M4 दिख रहा है, हमें C2 खोज लिया, यहाँ C2 आ रहा है, को M4 से, यानी 4 का मतलब क्या हो गया, D हो गया आपका आंसर, क्लियर। सेकेंडों में हो रहा है ना क्वेश्चन, टफ नहीं है बिल्कुल भी, बिल्कुल टफ नहीं है। आगे देखो, G1 को M4 से घड़ी की विपरीत दिशा में, G1 से M4 घड़ी की विपरीत दिशा में, घड़ी की विपरीत दिशा में, मैं बता चुका हूँ उल्टी दिशा में, विपरीत दिशा में, है ना, ये तो सिंपल दे ही रखा है, विपरीत दिशा में, है ना, जिस तरीके से घड़ी चलती है उस तरीके से नहीं, उससे उल्टा चल रहा है, ठीक है। तो G1 आपको दिख रहा है, M4 आपको दिख रहा है, M4 दिख रहा है, लेकिन G1 से विपरीत दिशा यही बनेगी, ठीक है। विपरीत दिशा में चलने पर बीच के अक्षर का अंक कौन सा होगा, बीच का जो अक्षर है उसका अंक क्या कौन सा होगा, Q2 का मतलब आंसर क्या आ गया आपका, 2 के अकॉर्डिंग आंसर क्या आ गया, B आंसर आ गया, क्लियर होगी बात, समझ में आ रहा है यहां तक। अरे देवताओं समझ लो जल्दी जल्दी, है ना, हाँ। उत्तर से दक्षिण घड़ी की दिशा में चलने पर उत्तर दिख रहा होगा, दक्षिण भी दिख रहा होगा आपको, घड़ी की दिशा में भी चलने पर यहां तक तो हमें टेबल देखने की जरूरत नहीं है, हमें माइंड में दिखना चाहिए यहां तक, है ना, घड़ी की दिशा में चलने पर बीच का अंक क्या होगा, है ना, तो उत्तर से दक्षिण ये माइंड में सेट होना चाहिए कि हमें ये यहां से यहां चलाने के लिए कह दिया है और बीच में यानी कि ये, तो हमारे यहां तक का क्वेश्चन जो मैंने अभी आपकी लाइन खींच करके बताया ना T3 तक, ये तो आपके माइंड में ही सॉल्व हो जाना चाहिए, अब तो हमें केवल क्या दिखना चाहिए, जैसे बोलते ना अर्जुन को क्या दिखती थी आंख, तो क्या दिखाई दे रहा है T3, और 3 के अकॉर्डिंग हमें तो यहां पर आंसर हमारा नजर आना चाहिए, हमारा आंसर क्या है, C, कैसे है, क्योंकि T3 दिया हुआ है, क्लियर हो गई बात, 3 के अकॉर्डिंग आंसर क्या आ जाएगा, C आ जाएगा, ठीक है। उत्तर से दक्षिण घड़ी की सुई की दिशा में चलने पर बीच का अंक क्या होगा। अच्छा यहां पर कुछ बात कहना चाहूंगा मैं आपसे, ये 10 क्वेश्चन, हाँ देखो यहां पर ध्यान रखना, देखो रेलवे ने क्या किया है, कुछ गड़बड़ कर दिया अभी नॉर्मलाइजेशन के लिए, कुछ मार्क्स उन्होंने कम बढ़ाए हैं कई बच्चों के, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आप इसको ध्यान रखना, जिस आपका जो पहले जो रिजल्ट आ रहा था 75 में से कुछ नंबर्स जो आ रहे थे ना पहले, तो उसके अकॉर्डिंग आपका अगर 35% मार्क्स पहले बैठ रहा था तो आप साइको की पढ़ाई बिल्कुल कंटिन्यूस चालू रखो, ठीक है, और 6 तारीख को रिजल्ट आने पर काफ़ी सारी चीज़ें अपनी क्लियर होंगी,
कोई अगर चेंज करेगा वो साइको के पुराने वाले मेथड के अंदर, तो वो भी आपको बता दिया जाएगा, आ जाएगा, जहाँ तक जो भी होगा चेंज वो आपके सामने आ जाएगा। लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है जो जो चीज़ें अभी हमने पढ़ी हैं उसमें कोई चेंज नहीं होगा। इसके बाद की जो चीज़ें हैं वो फाइंड सिक्स वाला है, तो फाइंड सिक्स से फाइंड नाइन पे भी पहुँच जाता है ना, फाइंड फाइव भी करवा सकता है, उसकी जो इच्छा होगी वो करवा देगा, ठीक है। वैसे नाइन सिक्स और फाइव के बीच में ज़्यादातर वो आपसे कर लेता है, ठीक है। इसके साथ साथ पिछली बार वो ब्रिक टेस्ट की जगह पर क्यूब टेस्ट लेकर के आए तो ऐसे नहीं लेकर के आए थे, क्यूब टेस्ट की एक प्रैक्टिस कराई थी आपके त्रिवेंद्रम बोर्ड के अंदर, कुछ बच्चों से प्रैक्टिस कराई गई थी, भाई आप देखो कर पाते हो नहीं कर पाते हो। जब वो वहाँ सक्सेसफुल हो गए थे तब जाकर के उन्होंने लॉन्च किया था, यानी रेलवे बहुत सोच समझ के कोई भी क्वेश्चन पैटर्न जो है वो लॉन्च करती है, ठीक है। तो अगर रेलवे को कुछ बदलना होता तो अभी जो आज से 6 महीने पहले जो एग्ज़ाम हुआ है साइको का, जो डिपार्टमेंटली इंटरनल एग्ज़ाम हुआ है, उसमें फिर बदल कर लेती वो, है ना, कुछ नया पैटर्न लेकर के आ जाते। लेकिन जो पिछले साइको में जो सेलेक्ट हुए जो बच्चे डिपार्टमेंटली जो एग्ज़ाम जिन्होंने दिया है, जो पहले से सेलेक्ट हुए जो बच्चे हैं, वो बच्चों ने सेम पैटर्न बताया है कि भाई वही जो चल रहा है वो पुराना ही है, और कई लोग प्रैक्टिस वो कर भी चुके हैं, नहीं है, और उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो आपको उनका सिलेक्शन भी हो गया है। तो देखो मिलवाएंगे कभी ना कभी, तो आप लोग उनसे भी मिलवाएंगे जो कर रहे हैं जॉब। चलिए अपन ध्यान देते हैं, यानी साइको की पढ़ाई करते रहो, पीछे नहीं हटना है साइको में ना। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, अब आपको यहाँ पर मैं थोड़ा सा समय दे देता हूँ, समय दे दूँ थोड़ा सा, आप लगाना शुरू कर दो इसको, है ना, दिख तो रहा ही होगा, मैं थोड़ा समय दे देता हूँ आपको, ठीक है। कितना मिनट दे दूँ मैं आपको, 5 मिनट का समय मैं आपको दे देता हूँ, ठीक है। ओके स्टार्ट। हाँ,
हाँ भाई टाइम अप होने वाला है जल्दी से, 10 सेकंड रह गए हैं, 5 सेकंड, 4, 3, 2, 1। हाँ बहुत बढ़िया, देखो मुझे लग रहा है कि आप सब लोगों ने कर लिया होगा इसको, है ना। सुनिए इधर ध्यान देना, ध्यान रखो कि भाई अभी इस बार तो मैंने आपको 5 मिनट दे दिए, ठीक है। ये मैंने आपको इसलिए दिया कि भाई अपन पहली बार कर रहे हैं, मैक्सिमम हो सके मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चे क्या देखे, अपने अपने आंसर देख सके, ठीक है। चलिए कोई नहीं, अगली बार से आप क्या करना, जब भी अपन क्वेश्चन कर रहे हो ना तो पॉज कर लिया करो, रोक लिया करो वीडियो को, अपना क्वेश्चन निकाल लिया करो, स्क्रीनशॉट भी ले लिया करो ताकि आपके पास भी एक वो मिल जाए, ठीक है, और क्वेश्चन कर लिया करो, ठीक है। अगली बार से मैं कंटिन्यू रख चलूंगा, ठीक है, आपको रोकूंगा नहीं, पॉज करके ही आप लोग क्वेश्चन कर लेना, ठीक है। इधर ध्यान दो, अब देखो मैं क्वेश्चन आपको करके बता रहा हूँ, आपने 5 मिनट में कितने किए ये पता नहीं, बाकी आप अपने अकॉर्डिंग चलते रहना। इधर ध्यान दो, उत्तर से पूरब, क्वेश्चन बोला उत्तर से पूरब पहुंचने पर इसके बाद पहले अंक कौन सा होगा। मैं आपको यहां पर दो नियम बता रहा हूं, उन दो नियम को जरा एक बार फॉलो कर लेना ताकि आपको क्या दिक्कत नहीं आए, है ना। क्या है दो नियम, कौन कौन से हैं, के बाद पहला और के पहले पहला, ठीक है, के बाद पहला, ये नियम है पहला, ठीक है, के बाद पहला ये नियम है, इस नियम को याद रखना, जिस दिशा में चल रहे हैं, जिस दिशा में चल रहे हैं हैं के आगे का ग्रुप कह दो, अक्षर और अंक, अक्षर एवं अंक के आगे का, है ना, यानी कि जिस दिशा में चल रहे हैं उसके आगे का अक्षर और अंक यानी ग्रुप जो भी है आपके सामने वो होगा, है ना। अब अगला देख लो, एक और देखो, के बाद पहला हो गया, के पहले पहला, ये भी नियम है, जिस दिशा में चल रहे हैं मैं, जिस दिशा में क्या हो रहे हैं अपन चल रहे हैं, मैं पीछे का जिस दिशा में चल रहे हैं मैं पीछे का अंक या अंक प्लस अक्षर, ठीक है। तो ये दो बातें होती हैं क्वेश्चन में, जब भी ये दो वर्ड आते हैं, एक तो आएगा आपका के पहले पहला और के बाद पहला, ठीक है, ये दोनों बातों को आप याद रखना, ठीक है, अप्लाई करना, ये क्वेश्चन में आते हैं। ये हो गया के बाद पहला और वो है के पहले पहला। अब देखो दो तरीके से चलाता घड़ी में हमारे को तरीके से चलाता है, दो तरीके से, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो यहां पर कहने का मतलब ये है जिस दिशा में आप चल रहे थे ना, क्लॉकवाइज चल रहे थे या एंटी क्लॉकवाइज चल रहे थे, तो जिस दिशा में वो चला रहा था उसके पहले पहला अगर बोल देता है तो अपन को क्या करना है, उसमें पीछे की साइड आना है, मतलब अंतिम स्टॉप जहां मिला उसके जस्ट पीछे आना है, और पीछे आकर के जो भी अक्षर या अंक होगा उसके अकॉर्डिंग जो भी अपना क्वेश्चन सॉल्व होगा वो करेंगे, ठीक है। इसी तरीके से अभी मैंने आपको के बाद पहला बताया, यानी जिस दिशा में आप चल रहे हो और लास्ट जो स्टॉप आया उस लास्ट स्टॉप के बाद में हमें एक कदम आगे बढ़ना है, और एक कदम आगे बढ़ने के बाद जो अक्षर या अंक आता है हमारा वो हमारे उसके अकॉर्डिंग हमें आगे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो अभी आपके सामने क्वेश्चन था इसी नियम पर बेस, ठीक है, तो इस नियम पर बेस जो क्वेश्चन था वो अपन सॉल्व कर लेते हैं अभी। हाँ, क्या बोला गया, उत्तर से पूर्व पहुंचने पर, अब देखो दिशा पहले से पता है अपन को किस दिशा में चल रहे हैं, उत्तर से पूर्व, ये देखो इस तरीके से चल रहे हैं, पूर्व पहुंचने के बाद पहला अंक क्या होगा, के बाद है ना, इसके बाद पहला अंक क्या होगा, यानी अपन को उस दिशा में आगे बढ़ना है, उस दिशा में अपन को क्या करना है, आगे बढ़ना है, जो मैंने अभी आपको बताया ना, उस दिशा में क्या बढ़ना है अपन को, के बाद पहले में, के बाद का पहला जो नियम है ना, के बाद पहला में हमें आगे बढ़ना है ना, आगे का अक्षर या अंक पे पहुंचना है, ठीक है।
और इसी तरीके से आपको के पहले पहला भी आएगा, इसी तरीके से आपका के पहले पहला भी आएगा, ध्यान रखना ये नियम है, इसलिए बार बार आपका टाइम में यहाँ पर ले रहा हूँ इस क्वेश्चन में। तो बाद पहला अंक क्या होगा, तो थ्री आया ना यहाँ, एच एच नहीं देखना है हमें, थ्री देखना है, थ्री के अकॉर्डिंग अपन को डायरेक्ट आंसर क्या बोलना है, सी, हमें अंक दिखते ही आंसर मालूम होना चाहिए, ए का मतलब ए और एक का मतलब ए, इसी तरीके से क्रम से चलेंगे तो पांच का नंबर क्या हो जाता है, ई हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट, टी टू को एन थ्री से एक्सचेंज करने पर, एक्सचेंज छोड़ो बाद में करेंगे, उत्तर और पश्चिम के बीच कौन सा अंक होगा, उत्तर और पश्चिम पर जाना है अपन को, ठीक है, उत्तर और पश्चिम, उत्तर और पश्चिम, देखो ये है ना, तो नियरेस्ट जहां से अपन पहुंच सकते हैं वहां पहुंचेंगे, तो बीच में क्या आ गया, टी टू, और टी टू को एन थ्री से, यानी थ्री का मतलब हो गया सी, ज्यादा कुछ नहीं करना है यहाँ पर, ज्यादा कुछ नहीं करना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलो, उत्तर को दक्षिण से और पूरब को पश्चिम से एक्सचेंज करने पर, ठीक है, उत्तर को दक्षिण से, पूरब को पश्चिम से, अब यहां ध्यान रखना यहां पर भी नियम एक लागू होता है, ध्यान रखो इधर, दिशा बदलने के लिए कहता है तो केवल दिशा बदलेंगे, उसके पास में जो ग्रुप होता है ना वो ग्रुप चेंज नहीं होगा, जैसे उत्तर को किससे बदलने के लिए बोल रहा है, दक्षिण से बदलने के लिए बोल रहा है, उत्तर को दक्षिण से, तो अपन का उत्तर अब यहां लिखा जाएगा और दक्षिण, जैसे उत्तर यहां आ गया तो दक्षिण ऑटोमेटिक उधर ही जाना है, तो दक्षिण से बदल दिया, ठीक है, और पूरब को पश्चिम से, तो पूरब पश्चिम की तरफ चला जाएगा, पश्चिम पूरब की तरफ आ जाएगा, इस तरीके से, है ना, और सिस्टमैटिकली तरीके से आपको घड़ी को चेंज करना है, ठीक है, और सब बदलने के बाद अभी जो ग्रुप है ना वैसा का वैसे ही वहीं का वहीं रहेंगे, ये ग्रुप जो है ना ये वैसे के वैसे वहीं रहेंगे, ये चेंज नहीं होंगे, केवल दिशाएं बदलेगी, तो दिशा बदलने के लिए कहता है केवल दिशा बदलेगी और कुछ चेंज नहीं होगा टेबल में, ठीक है, सॉरी क्लॉक के अंदर, तो क्या बोला गया, एक्सचेंज करने पर K2 के सामने, अब K2 आपको नजर आना चाहिए, K2 K2 के सामने, के सामने यानी यहां पर आ जाओ, बाएं, बायां मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज, मैंने आपको बता दिया था दायां बायां सब बता दिया ना, बायां यानी एंटी क्लॉकवाइज, इधर आ जाओ, है ना, इधर आती आपका क्या आ गया, P5 आ गया, P5, अब देखो बदलवाई क्या थी अपन, दिशाएं, तो हमने दिशाएं तो सारी बदल दी, इसका कोई मतलब नहीं निकला, और हमारा आंसर क्या आ गया, P5, यानी ग्रुप हमें नहीं बदलना है, ठीक है, यहाँ पूरे क्वेश्चन में कहीं पर भी ग्रुप बदलने के लिए वो नहीं कह रहा है, तो हमें ग्रुप नहीं बदलना है, और ग्रुप नहीं बदलेंगे तो हमारी घड़ी में इन अंकों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, परिवर्तन नहीं हुआ तो सीधा सीधा आंसर क्या आ गया, फाइव यहाँ पर आंसर आ गया। हाँ, अगर वो आपसे यहाँ ये कह देता कि दक्षिण के सामने क्या होगा, दक्षिण के सामने क्या होगा, तो भाई दक्षिण तो हमारा कहाँ पहुंच गया होता, हो गया, पहुंच गया होता यहाँ पर, तो हमारा आंसर N3 होता, समझ गए ना मेरी बात, यानी अगर वो दक्षिण को बोल देता तो हमारा आंसर बदलता, लेकिन यहाँ पर उसने क्या किया, दिशाएं बदलवाने का मकसद केवल उसका ये था कि आपका टाइम वेस्ट किया जाए, तो मैंने बोला ना अदला बदली का काम हम सबसे लास्ट में करते हैं, क्लियर होगी बात, चलिए अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट टी टू, इसका ये हो गया, मिलाते हो त्रिभुज और शीर्ष, शीर्ष बोल दिया ना इसने, अब इनको मिला लो और जो समबाहु त्रिभुज आपका बनेगा यहाँ पर, ठीक है, टी टू ये रहा टी टू, जी फोर, जी फोर ये रहा, तो अब आपका के टू हो गया, यानी आपका आंसर टी टू आ गया, यानी जो आपकी जो दो समान भुजाएं जहाँ पर मिलेंगी, देखो ये बन गया आपका, ठीक है, तो दो समान भुजाएं जहाँ मिलेंगी, ठीक है, वो अभी आपको ये नहीं देखना कौन सा समलंब है या कौन सा समबाहु त्रिभुज है, ये नहीं देखना, दो समान भुजाएं दोनों में होती है, समलंब में भी होती है, समबाहु में भी होती है, ठीक है, तो आपकी दो समान भुजाएं जहां पर मिलती है वही आंसर होता है, टी टू होगा, है ना, ज्यादा उलझोगे उतना ही ज्यादा उलझ, जितना ज्यादा नियमों में जाओगे बहुत ज्यादा उलझोगे, ठीक है, चलो कोई नहीं, तो आपका टू के अकॉर्डिंग आंसर क्या आ जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलो, सिंपल सिंपल है एकदम, है ना, आगे देखो, टी एन थ्री जी फोर और एच थ्री को मिलाकर त्रिभुज का निर्माण हो, शीर्ष में जो अंक प्राप्त हो उसके वामावर्त पहला अंक, है ना, वामावर्त की ओर पहला अंक, ठीक है, वामावर्त की ओर पहला अंक, है ना, पहले पहला नहीं बोला है, पहले पहला नियम अलग होता है, पहला अंक है ना, वामावर्त की ओर, ठीक है, तो ध्यान रखो इनसे बनाओ क्या, त्रिभुज बना दो एन थ्री जी फोर और एच थ्री, एन थ्री जी फोर और H3, इससे त्रिभुज आपका ये बन गया, अब इसका शीर्ष आपके सामने यहाँ पर ये
आ गया, शीर्ष भी आ गया आपके सामने, ये आ गया शीर्ष है, एन थ्री आ गया, ठीक है। निर्माण होता है और शीर्ष पर जो अंक प्राप्त होता है उसके वामावर्त यानी उल्टी दिशा में, घड़ी की उल्टी दिशा ये होती है, ठीक है, घड़ी की उल्टी दिशा ये होती है वामावर्त की, और पहला अंक क्या होगा, पहला अंक यानी टी टू, टू के अकॉर्डिंग आंसर क्या होगा, बी होगा। ये के पहले पहला नियम नहीं है, ये के केवल यहां पहला बोला गया है ना, तो पहला बोला गया है तो अपन को क्या है कि वामावर्त उधर चला जाना है उल्टी दिशा में, पहला क्या आ गया टी टू आ गया। के पहले पहला अलग नियम है, ठीक है, वो घुमाता है एक दिशा में ले जा रहा होता तब होता है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, उत्तर से दक्षिण क्लॉकवाइज चलिए, ठीक है, चल लेंगे हम बाद में चलेंगे। कौन सा अंक एक दूसरे से मिलता जुलता है, उस अंक के बीच सबसे छोटा अंक कौन सा है। भाई दो अंक मिलेंगे हमें ऐसे जो से बराबर ही के होंगे और उनके बीच में जो सबसे छोटा अंक होगा वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया। अब क्लॉकवाइज कहां से कहां, उत्तर से दक्षिण, उत्तर ये रहा और दक्षिण ये रहा, ठीक है, क्लॉकवाइज चलना है, यहां से यूं चल जाओ, ठीक है। दो समान अंक आपको कौन कौन से नजर आ रहे हैं, ये दिखाई दे रहा है और ये दिखाई दे रहा है, तीन और तीन दिखाई दे गए के बीच में, इन दोनों के बीच में जो सबसे छोटा है, छोटा कौन सा है, के टू छोटा है, ठीक है, छोटा अंक कौन सा है, के टू है, तो आपका आंसर क्या हो गया, बी हो गया आपका आंसर, टू के अकॉर्डिंग आपका आंसर क्या आ गया, बी आ गया। सिंपल से क्वेश्चन है, घड़ी को हमें बाद में देखना है, क्वेश्चन पहले सॉल्व करना है, क्लियर होगी बात। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखो 17 नंबर क्वेश्चन, टी टू जी फोर से और के टू एच थ्री से मिलाती हुई त्रिभुज का निर्माण होता है, तो टी टू के दक्षिणावर्त तीसरा अंक कौन सा होगा, त्रिभुज तो छोड़ो आप तो डायरेक्ट टी टू को पकड़ो, और टी टू दिख गया, और टी टू के कहाँ जाना है, दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज तीसरा अंक टी टू के यानी इसको छोड़कर दक्षिणावर्त यानी घड़ी की दिशा में पहला दूसरा और तीसरा अंक कौन सा होगा, तो आपका C4 हो गया, C4 त्रिभुज बनाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, 4 के अकॉर्डिंग आपका आंसर क्या आ गया, डी आंसर आ गया। डी आंसर क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर क्या आया, चार आया, चार के अकॉर्डिंग आंसर क्या होता है, डी होता है, ठीक है, क्लियर हो गया होगा। और चलो अब आगे अंतिम क्वेश्चंस और देख लो, दो पूरे चित्र के सभी अंकों को एक दूसरे के सामने एक्सचेंज करने पर अंकों को सभी को एक्सचेंज कर लो, पश्चिम के बाएं पहला अंक कौन सा होगा, पश्चिम के बायां यानी कि घड़ी की विपरीत दिशा में पहला अंक कौन सा होगा, तो G4 को सामने सामने बदल रहा है ना, पूरे चित्र के सभी अंकों एक दूसरे के सामने, तो G4 को K2 से बदल दिया, यानी 2 के अकॉर्डिंग आंसर क्या आ गया, आपका बी आंसर आ गया, ठीक है, ठीक है। अच्छा अगला देखो, G4 और K2 के अक्षर को आपस में बदल, इन दोनों के अक्षरों को आपस में, अक्षर बदल रहा है केवल, अक्षर को आपस में बदलने पर दक्षिण के दाएं पहला अंक कौन सा होगा, इन दोनों के अक्षर बदले हैं तो अंक नहीं बदलेगा, और अंक नहीं बदलेगा तो आपका आंसर क्या आएगा, चार के अकॉर्डिंग आपका आंसर क्या आएगा, डी ही आएगा, है ना। गलती से अंक मत बदल देना या पूरा ग्रुप मत बदल देना तो आपका आंसर बिगड़ जाएगा, है ना। दाएं पहला आंसर क्या आएगा, डी आएगा, कई बच्चों ने बी का रखा होगा, उसको समझ लेना क्वेश्चन को पूरा, है ना। चलिए आगे चलते, सभी अक्षरों को एक दूसरे से एक्सचेंज करने पर डी के दाएं, अब देखो इसमें पूरे में डी सिर्फ एक जगह है, डी के दाएं कौन सा होगा, अब अक्षर तो छोड़ो, आपसे दाएं कौन सा होगा, तो दाया इसके आगे बढ़ जाओ और टी टू आ गया, अक्षर बदले थे, टू थोड़ा ना बदला था, टू के अकॉर्डिंग आंसर क्या आ जाएगा, बी आंसर आ जाएगा, समझ गए मेरी बात। तो आज के लिए मैं यही धन्यवाद करता हूँ, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ाओ यार, थोड़ा परिवार बड़ा हो और मज़ा आएगा, ठीक है। घबराना नहीं है, साइको बहुत सिंपल एग्ज़ाम है, लग रहा होगा आप सिंपल, ठीक है। तो आज तो क्लॉक टेस्ट था हमारा यहाँ तक, ठीक है, आज के लिए धन्यवाद करते हैं, अगली क्लास में फिर दोबारा मिलेंगे क्लॉक टेस्ट की परीक्षा थोड़ा सा और लेकर के, आज के लिए धन्यवाद, अगली कक्षा में फिर मिलेंगे।